पोपटलाल, हेलो पोपटलाल, कैसे हो? बोलो। नजीरुद्दीन भाई, पोपटलाल तुमको जानते हैं? अरे मैं खुद भी हैरान हूँ कि वो मुझे जानते हैं। अरे भाई पोपटलाल, तुमने मेरा एक बार इंटरव्यू लिया था, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन तुम भूलने वाली चीज नहीं हो। थैंक यू अजहर भाई, थैंक यू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी जेठालाल जी ने तुमसे बात की। नजीरुद्दीन भाई, आप मुझे भी जानते हैं? मैंने तो आपका कभी इंटरव्यू नहीं लिया, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को जानता हूँ। आसिफ भाई कैसे हैं? वो एकदम मजे में, लेकिन आपने बताया नहीं आप हम सबको कैसे जानते हैं। पोपटलाल ने मुझे आप सबके बारे में बताया था। अरे? आप लोग भी कमाल का जीपीएल खेलते हो, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। आप सब बड़े मजेदार लोग हो। मैं आऊंगा कभी जीपीएल में खेलने के लिए। क्या बात है, मजा आ जाएगा। वाह अजहर भाई, आपने तो हमें खुश कर दिया। दिल खुश कर देता। अभी अभी हमने आपकी जो फिल्म आ रही है असर, जो आपके जीवन पे बनी है, उसका प्रोमो देखा, बड़ा कमाल का प्रोमो था भाई। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। हाँ लेकिन प्रोमो की तरह फिल्म मोबाइल पे मत देखना। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें फिल्म मोबाइल में नहीं देखने दूंगा। अजहर जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप क्रिकेट खेलते थे ना, तो मैं आपके क्लासिकल शॉट का बहुत बड़ा फैन था। क्या बात। ओ असल पर, ओ आपकी तो कैप्टेंसी और साथ में फील्डिंग धांसू एकदम। आयो कॉलर बॉलर ऊपर करके मस्त था। आप अपनी फिल्म में खुद क्यों नहीं एक्टिंग कर रहे? मेरे ब्लड में सिर्फ क्रिकेट है, एक्टिंग नहीं है। ओके बाय, एंजॉय द फिल्म। बाय बाय बाय, चलो फिर मिलते हैं। अभी बात करनी हो बताना, तो बहुत बुरा रहा। वैसे एक बात है दोस्तों, अपने इंडिया में क्रिकेटर्स और फिल्मस्टारों का बोलबाला है। लेकिन चिंता मत करो, अपनी सोसाइटी से भी एक क्रिकेट स्टार निकलने वाला है। कौन? अरे जेठालाल, तुम्हें नहीं पता, अपना टप्पू। बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार बनेगा, देखना। और हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात होगी वो। नहीं तो जेठालाल, तुमको तब लोगों को पार्टी देना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। हाँ बनती है। मैं जरूर जरूर सबको पार्टी दूंगा, और आपको अलग से हैप्पी बार में दूंगा। तुमने तो उसे ट्रेनिंग दी है ना। अरे वो इतना बड़ा स्टार बनेगा कि उसके ऊपर भी पिक्चर बनेगी, देखना। अरे हाँ, और हो सकता है अपने आसिफ भाई मोदी बना है। हाँ बबीता, हाँ थोड़ा पार्टी खत्म हो गया है, बस मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। बबीता का फोन है, मेरे को जाना है। हम भी घर ही जाएंगे, हम यहाँ पे थोड़ी ना रुकेंगे। अरे भाई आपको तो बबीता जी का फोन आया, मुझे कोई फोन नहीं आएगा। अगर मैं लेट हो गया ना, तो बापू जी खुद दरवाजे पर खड़े होंगे मेरा स्वागत करने के लिए। चलो भाई चलो। सॉरी बापू जी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अभी आपने मुझे कहा ना अक्ल ही नहीं है, मुझे नहीं कह रहा हूँ। बापूजी आपने मुझे कहा सॉरी बापूजी। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे भी नहीं कह रहा हूँ, वो तो बहुत समझदार और होशियार है। तो बापूजी आपने अपने आप को कहा? नहीं नहीं बापूजी, आप तो बहुत होशियार है। ये अरे आजकल की पीढ़ी को कह रहा हूँ, अक्ल ही नहीं है। तो आजकल की पीढ़ी तो हम ही है, मतलब आप हमको ही कह रहे हैं। तो एक साथ बोलेंगे 1 2 3 सॉरी बापूजी। ये अक्ल वगैरह ना, तुझ में अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट बापूजी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अक्ल वगैरह ना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझ में अक्ल नहीं है, ऐसा आप मुझे नहीं कह रहे। तो क्या इसमें समझने का क्या? चिट्ठिया की माँ, इस रंग को कैसे समझाऊं? टप्पू के पापा, आप बापूजी की बात पहले पूरी तरह शांति से सुन लीजिए। अच्छा एक मिनट, बोले बापूजी। अरे मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल की पीढ़ी के पति पत्नियों में बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, सहन शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं, उन्हें ये समझ ही नहीं है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म का रिश्ता होता है, उसे छोटी छोटी बातों में तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एकदम सच कहा बापूजी।
मैंने अभी अभी सुना था, एक पत्नी अपने पति से इसलिए अलग हो गई क्योंकि उसका पति रात को खर्राटे लेता था। अरे हाँ, मैंने भी अभी बीच में अखबार में पढ़ा था बापूजी कि एक पति ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स इसलिए दे दिया क्योंकि वो पत्नी पूरा दिन इंटरनेट पे बिजी रहती थी। आजकल की पीढ़ी अपना असली परिवार छोड़कर इंटरनेट की झूठी दुनिया में खो गई है। ये इंटरनेट की वजह से कितनी शादियां टूट रही है। और नहीं तो क्या, शादी को मजाक बनाते। पहले के जमाने में लोग संयुक्त कुटुंब में रहते थे तो पति पत्नी परिवार की शर्म की वजह से आधी लड़ाई भूल जाया करते थे। पर कभी मन मुटाव हो भी जाता था तो घर के बड़े बुजुर्ग बात को संभाल लेते थे, पति पत्नी को समझाते थे और पति पत्नी समझ भी जाते थे, घर टूटने से बच जाते थे। अरे भाई, विवाहित जीवन में जिंदगी भर की परेशानी हो तो समझ में आता है, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी परेशानी में भी शादियां टूट रही। पल भर के लिए भी किसी को परेशानी सहन नहीं करनी। हाँ। नहीं माना कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी बातों के लिए अलग हो जाते। अरे भाई, पति और पत्नी को एक दूसरे की छोटी बड़ी कमजोरियों को समझ कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम सही कहा बापूजी। लेकिन आजकल की पीढ़ी को कौन समझाए कि अगर थोड़ी धीरज रखे, मुश्किल भरे वक्त को शांति से गुजर जाने दे तो आधी से ज्यादा मुश्किल है हवा की तरह छूकर बिना नुकसान किए निकल जाएगी। हाँ, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हालात को तूफान की तरह लेना है कि हाथ पंखे के हवा की तरह लेना है, वो हमारी सोच पर निर्भर रहता है। एकदम सही कहती है भगवान। भगवान आजकल की भटकी हुई पीढ़ी को सही सोच और समझ दे। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। बापूजी सही कह रहे हैं। नहीं, बापूजी के उम्र के लोगों को ही आज की पीढ़ी की पड़ी है, पर आज की पीढ़ी के लोगों को अपनी खुद की पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है दया, आज की पीढ़ी में हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनको खुद की तो चिंता है लेकिन आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, हम आज की पीढ़ी के नहीं है, हम बापूजी के पीढ़ी के भी नहीं है, हम बीच की पीढ़ी के है। क्या है, आज की पीढ़ी है ना। दया, एक काम करते, अभी इस विषय पे चर्चा नहीं करते क्योंकि क्या है, ये विषय बहुत भारी है। इस पे चर्चा करते रहेंगे ना तो नींद उड़ जाएगी, फिर पूरी रात जागना पड़ेगा। ओहो, ऐसे कैसे नींद नहीं आएगी? मैं आपको इतना मस्त हालड़ा सुनाऊंगी ना कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अरे सुब सुब बोलिए। देखिए, बिना कुछ बोले आप सुनिए। गलत है, ये तो नाइंसाफी है। क्या क्या गलत है? अरे मैं अकेला शांति से सो जाऊ और तू जागे तो ऐसा हालड़ागा जिससे सिर्फ मुझे नहीं तुझे भी शांति से नींद आ जाए। वाह, आपको मेरी कितनी फिकर है। बस बस मेरी रानी, रोमांचक होके ऐसी नशीली आंखों से मुझे मत देख। देखूंगी, एक बार क्या, हजार बार देखूंगी, क्योंकि हमारा प्यार जन्मों जन्म का है और आगे हजारों जन्मों तक ऐसे ही रहेगा। एक टप्पू के पापा, अगले जन्म हम इंसान ना बने तो आप क्या बनना पसंद करोगे? तू क्या बनना पसंद करेगी? मैं, मुझे हिरन बहुत पसंद है। हिरन? कौन हिरन? अरे हिरन नहीं, हिरन ऐसे तो। क्यों? अरे हिरन का स्वभाव आपके स्वभाव के साथ मैचिंग नहीं होगा। क्या है, हिरन है ना एकदम बेचारा शांत सादा सीधा होता है और आप राजा महाराजा की तरह रहते हैं, तो आप है ना शेर बनना। शेर? नहीं नहीं दया, मैं शेर बनूंगा और तू हिरनी बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे अरे शेर तो जंगल का राजा होता है, उससे क्या प्रॉब्लम? अरे शेर हिरनी का शिकार करता है ना। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। अब एक काम करते दया,
अगले जन्म में हम दोनों पंछी बनेंगे। पंछी? ना ना ना, पंछी ना बबलो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अरे पंछी पूरा दिन धूप में उड़ता रहता है, और आपको तो धूप पसंद नहीं है ना, गर्मी कितनी लगती है आपको। अच्छा, तो एक काम करते हैं। हाँ। मछली बनते हैं, पानी के अंदर ही हमेशा, ठंडा की ठंडा, टेंशन ही नहीं। मछली ना बाबा, ना मछली, मछली नहीं बनना है। क्यों? नहीं नहीं, मछली तो पूरा टाइम पानी में ही रहती है, और मैं ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक के नहीं रख सकती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। नहीं नहीं, मछली नहीं बने, मछली नहीं बनेगी बस। तो क्या बंदर बने? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अरे बंदर पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदा कूद करता रहता है, और आपका स्वभाव थोड़ा ऐसी है, तो आपको जमेगा नहीं। एक काम करें टप्पू के पापा, जिराफ बने। बस 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 दया, बस अभी आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया, अभी सो जाते हैं, बहुत टाइम पास हो गया। चल बस सो जाने, बातें कीजिए ना, मजा आ रहा है। अरे दया, भगवान ने अलग अलग प्रकार के करोड़ों जीव बनाए हैं, अभी सबके बारे में सोचने बैठेंगे तो आज की पूरी रात क्या, पूरा जन्म कम पड़ेगा। हाँ ये बात भी है, और वैसे भी अगले जन्म में हम क्या बनेंगे वो हमारे हाथ में तो है नहीं, तो फिर अगले जन्म के बारे में सोच के क्या फायदा? अरे फायदा है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पति के साथ कभी कभी उठपटक बातें करनी चाहिए, उससे क्या है दोनों के बीच में प्यार भरी दोस्ती बनी रहती है। चल दोस्त, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आज मंदिर में मैं भगवान को स्पेशली थैंक्स बोलने वाला हूँ। ऑफ कोर्स, हमारे जीवन में आया हुआ इतना बड़ा संकट दूर हो गया, स्पेशल थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते, नमस्ते चाचा जी। हाँ जी, करो कहाँ मंदिर जा रहे हो? जी हाँ, एक्चुअली नए दिन की शुरुआत आज भगवान के आशीर्वाद के साथ कर दी है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ भी हुआ उसे भुला कर नए दिन की शुभ शुरुआत है। चाचा जी थैंक यू, चलो चलो। ये है पनसवाड़ी का तिरुपति बालाजी मंदिर, ये है ध्वज स्तंभ, ये पूरा गोल्ड का है, और इस मंदिर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो मैं तुमको मंदिर दिखाता हूं। अभिदा ये देख रही हो, ये साउथ इंडिया में दिव्य देश के 108 देवताओं के फोटो हैं, और वो नीचे देखा, नीचे वो भगवत गीता के 18 अध्याय लिखा हुआ है। अब मैं बताता, आ जाओ। हे बालाजी भगवान, मेरी और अय्यर की लाइफ में फिर कभी ऐसा तूफान आए, ऐसी कृपा करना। मेरे से बहुत बड़ा गलत फहमी हो गया था, ऐसी बेवकूफी मेरे से दोबारा ना हो, ऐसा आशीर्वाद देना। और भगवान, अय्यर ने मुझे प्रपोज डे पर जैसे सरप्राइज दी थी, ऐसी सरप्राइज मुझे लाइफ टाइम देता रहे। हाँ, पर स्वीटी जैसे सरप्राइज सपने में भी ना दे। और हाँ भगवान, गोकुल धाम वासियों पर भी आपकी कृपा हमेशा रखना, और हमको जितना भी खुशी और प्यार दो उससे भी डबल खुशियाँ और प्यार हमारे गोकुल धाम वासियों को देना। बालकनी में बबीता जी का दर्शन नहीं हुए, बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? ओ जनरल, हाय गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, ये क्या आप साड़ी में, आप लुंगी में?
मंदिर जाके आए? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया है। भगवान को बोल के आए ना कि दोबारा हमको ऐसी गलत फहमी का शिकार मत बनने देना। अरे एग्जैक्टली जेठालाल, मैं भगवान को यही बोल कर आया हूँ। हाँ। वैसे बबीता जी, ये साड़ी में आप एकदम मिस कोलकाता लग रहे हैं। ओह रियली, थैंक यू सो मच। और अय्यर भाई, आप भी? क्या? मैं मिस कोलकाता लग रहा हूँ? नहीं नहीं, आप तो मिस चेन्नई लग रहे हैं। मिस, सॉरी सॉरी सॉरी, मास्टर चेन्नई लग रहे हैं। जेठालाल उसको मास्टर नहीं मिस्टर बोलते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ मिस्टर चेन्नई लग रहे हैं। वैसे आप दोनों इतने अच्छे तैयार हुए, तो फोटो वोटो लिया कि नहीं? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू सो मच जेठा जी, अय्यर मैं फोटोज लेनी चाहिए। अरे अभी ले लेता हूँ। अय्यर भाई, आप बबीता जी के बाजू में खड़े रहो, मैं लेता हूँ फोटो। जेठा जी, आप मेरे फोन से ले लीजिए। अच्छा ओके, ये लीजिए। थैंक यू। अरे अभी एक काम करो बबीता जी, गार्डन में चलते, उधर और अच्छे आएंगे। नहीं नहीं जेठा जी, इतनी फोटोज काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये सजेशन देने के लिए कि हमें फोटोज क्लिक करनी चाहिए। देख तो लीजिए बराबर आए कि नहीं। हाँ हाँ, वाव। अरे वाह वाह जेठालाल, क्या मस्त फोटो क्लिक किया है। थैंक यू। वैसे आपको तो फोटोग्राफर होना चाहिए था। अरे क्या बबीता जी, अब भी बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। अपन भले अपने दुकान भली, लेकिन आपको रोयर बे को कभी भी भविष्य में अगर फोटो खिंचवाना हो तो मुझे बता देना, आपके लिए फोटोग्राफर बन जाऊंगा। तू अभी तक यही है, दुकान नहीं गया? नहीं नहीं, जा ही रहा था बापू जी के, अय्यर भाई बबीता जी मिल गए। सॉरी है जेठालाल, हमारा वजह से तुमको लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, लेट क्या, अरे उल्टा मजा आया। मजा आया? हाँ मतलब वो बबीता जी और अय्यर भाई इतने अच्छे तैयार हुए, तो मैंने बोला थोड़ा फोटो वोटो खींचा, तो फिर मैंने फोटो खींचा तो उसमें मजा आया। फोटो खींचा? हाँ चाचा जी, जेठा जी ने हमारी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स ली है। इनफैक्ट मैं तो उनको यही कह रही थी कि उनको एक फोटोग्राफर बनना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बबीता जी, क्या? अरे क्या नहीं नहीं, अरे जेठा, टीवी और मोबाइल बेचने में अभी मजा नहीं आ रहा है, तो बन जा फोटोग्राफर, गले में कैमरा लटका के निकल पड़। नहीं नहीं, दुकान अच्छी है अपने लिए, चलो मैं निकलता हूँ। हम भी चलते हैं। ओके बाय बाय, चलो बाबू निकलता हूँ। अरे ये एक मिनट, रुक रुक रुक, दुकान जाते जाते मुझे धनजी के घर छोड़ दे, वो गिर गया है। किसकी नजरों में? मेरा मतलब कैसे? अरे वो बाथरूम में दाढ़ी करते करते सेल्फी खींचने गया, उसमें वो फिसल गया। दाढ़ी करते करते सेल्फी, ये उम्र में? अरे हाँ वे, चलने वे चापिंग। मित्रों, कहा जाता है कि वक्त के साथ और ठोकर खाने के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन शायद ये बात हम गोकुल धाम निवासियों पे लागू नहीं होती। गलतफहमी की इतनी बड़ी ठोकर खाने के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं बदला, हम में कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे के वैसे वही मिजाज वही अंदाज। देखिए ना, अभी भी जेठालाल और अय्यर में वही चूहे बिल्ली वाली नोक झोंक जारी है। बबीता जी को देख के अभी भी जेठालाल के दिल में लड्डू पेड़े बर्फी मरती वैसे ही फूट रहे, यानी कि कुल मिला के कुछ नहीं बदला। हाँ, अय्यर और बबीता जी ने बालाजी भगवान से हैप्पी मैरिड लाइफ की प्रार्थना जरूर की और ईश्वर इनकी पुकार सुन भी रहे। बस भगवान एक ही पुकार नहीं सुनते कि गोकुल धाम में शांति बनी रहे और कोई हंगामा ना हो, शायद इसीलिए नहीं सुनते कि आपके घरों में हंसी और ठहाके बन रहे। कई बार तो मुझे लगता है भगवान भी इस मनोरंजक सफर का मजा उठाते हैं। सही बात है साहब, ये मनोरंजक सफर तो यूं ही चलता रहा है और यूं ही चलता रहेगा। अभी यहाँ पे अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर ली अय्यर और बबीता जी ने, अब कल कौन सा नया हंगामा होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो भी हंगामा होगा आप तो हंसेंगे, देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.